Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Now today we will discuss about top gainers. और जैसा कि इस सीरीज में मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिस पे हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे. तो जैसा कि मैंने चार्ट बना रखा है, चार्ट पे आप सभी लोग देख सकते हैं, मनी मार्केट बाय देवेंद्र सर. तो अब हम फ्यूचर में इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि शेयर मार्केट में कौन कौन से मेन टॉपिक्स होते हैं. जैसे सबसे पहले होता है मार्केट लाइव. मार्केट लाइव का मतलब कि मार्केट में कौन कौन से शेयर टॉप पे चल रहे हैं, कौन कौन से लूज पे चल रहे हैं. सेकंड नंबर पे बैंक एफडी की रेट्स क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. थर्ड नंबर पे स्टॉक्स आइडियाज, कौन कौन से स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन कौन से स्टॉक्स आपके लिए बेनिफिशियल है. चौथे नंबर पे हेल्थ इंश्योरेंस, कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जो एजर पर्सन होते हैं, 65 से ऊपर के लोग जो होते हैं, उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहता है. तो कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए बेनिफिशियल है उसके बारे में भी हम हमारे जो फीचर्स जो वीडियो आएंगे उस पर डिस्कस करेंगे. पाँचवा नंबर है लाइफ इंश्योरेंस. लाइफ इंश्योरेंस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, कौन सा लाइफ इंश्योरेंस आपके लिए बेस्ट रहेगा. और LIC की बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनके बारे में जो आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा बेनिफिट दे सकती है. उसके अलावा HDFC, ICICI जो नेशनलाइज बैंक है और नॉन नेशनलाइज बैंक है, प्राइवेट बैंक है, उनकी कौन कौन सी स्कीम्स हैं और वो कौन कौन से लोन प्रोवाइड करवाते हैं और किस सेक्टर में अभी वो डीलिंग कर रहे हैं. उसके बाद में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल्स बैंक ऑफ इंडिया SIDBI जिसे आप जानते हैं, जो इंडस्ट्रियल जो फैक्ट्री होती है उनको फंड प्रोवाइड करवाती है, उसमें कौन कौन से नॉर्म्स होते हैं और कौन कौन सी पेपर फॉर्मेलिटीज चाहिए होती है, उन सब के बारे में मैं फ्यूचर में आपके लिए बहुत सेपरेट वीडियो बनाऊंगा. और आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टूडे टॉप गेनर्स. जो मार्केट बंद हुआ था कल, उसमें टॉप गेनर्स कौन कौन से थे उसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ. सबसे पहले श्रीराम फाइनेंस का शेयर जो कल का मार्केट बंद हुआ था उसमें फ्रेंड्स 7.75% की ग्रोथ पे बंद हुआ है. सेकंड नंबर पे आरबीएल बैंक का शेयर भी 2.6% की ग्रोथ पे बंद हुआ है. थर्ड नंबर पे डिजिटल टेक्नोलॉजी का शेयर भी 2.28% की बढ़त पे बंद हुआ था. और फोर्थ नंबर पर महिंद्रा फाइनेंशियल्स, इसका शेयर भी 2.09% की बढ़त पे बंद हुआ है. तो देखिए फ्रेंड्स, ये कल चार के टॉप गेनर्स थे जिन्होंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया है. और जिन पर्सन ने इन शेयर्स में इन्वेस्ट किया था वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट लेके यहाँ से निकले हैं. तो आपके लिए मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊँगा. बने रहिए मेरे चैनल के साथ, देखते रहिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिए. थैंक यू, कीप वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल ऑन रेगुलर बेसिस. थैंक यू फ्रेंड्स.